प्राइस हम लोग ने राहुल भाई इसका 95,000 प्राइस रखा हुआ है। वो भाई मिथ बन चुका है कि यार ये कंपनी बंद हो गई है, तो वो चीज अब सस्ते में मिल रही है तो लोग लेना नहीं चाहते। यस, तो ये चीज आप मत बनाओ, इतने अच्छे प्राइस में इतनी अच्छी गाड़ी मिल रही है, ये डील मत छोड़ो, आओ और ये लेके जाओ। तो क्या प्राइस कोट कर रहे हो इसका? प्राइस हम लोग आस्किंग प्राइस रखा है। हमने आज 4 इनोवा दिखा दिए, क्या बात। आपको कोई सा भी इनोवा पसंद आता है आप डायरेक्टली आके, इसका बहुत ही रीजनेबल रखा है। इसका आस्किंग प्राइस है 4.8, 1,65,000 में वर्ना का फील ले सकते हो। हेलो नमस्ते सभी को, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं फिर से आ चुका हूँ दी वन एंड ओनली टर्बो कार्स, जो की लोकेटेड है गोरेगांव वेस्ट में, और हमारे साथ है यहाँ के ओनर वसीम भाई। कैसे हो? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि पिछले वीडियो का क्या रिस्पॉन्स रहा? पिछले वीडियो का रिस्पॉन्स अपना राहुल भाई बहुत अच्छा था। अच्छा। भाइयों की तरफ से बहुत ज्यादा प्यार मिला, काफी अच्छे कस्टमर्स बने, तो हम लोग यही चाहते थे कि और कस्टमर्स रिलिंग पे बढ़ते हैं, इसलिए मैंने आपको ऑफिस कॉल की। न्यू स्टॉक आया हमारे पास, काफी रेंज है, मिक्स सेगमेंट भी है, हाई प्राइस भी है, सब अच्छी अच्छी गाड़ी है। प्राइस स्टार्टिंग क्या रही है आज की? प्राइस भाइयों के लिए स्टार्टिंग 95,000 रुपीज होगी। 95,000 मतलब आज भाइयों का सपना पूरा हो गया। 100%। तो आज की पूरे स्टॉक में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं ये जानो कि लोन का क्या है, वो बता दीजिए। हमारे लोन हमारे पास है ना 2012 की अबाउट की जो गाड़ियाँ होती है उसी पे लोन होता है। अच्छा। और अगर कस्टमर जॉब करता है तो उनका सैलरी स्लिप लगेगा, उसको बिजनेस करता है तो आईटी टेंस लगता है। अच्छा। लेकिन 2012 की अबाउट की गाड़ी, 2012 की जितने भी अबाउट गाड़ी उस पर लोन अवेलेबल होती है। और अगर जो अदर देखते हैं अदर स्टेट से, अगर उनको जैसे कोई गाड़ी वगैरह चाहिए उनको रहता है ना कि हमारे यहाँ पे ट्रांसफर हो सकती है एनओसी वगैरह, तो वो क्या होता है? तो हम लोग कैसे अदर स्टेट हो गया, कोई भी हो गया, महाराष्ट्र के बाहर हो गया, बैंगलोर हो गया, बहुत से कॉल आते हैं वहाँ से भी। तो उन कस्टमर्स के लिए कैसे हम यहाँ से एनओसी प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा। ट्रांसफर कस्टमर को खुद ही करना है। अच्छा, बाकी मतलब एनओसी हम प्रोवाइड करके देंगे, जो भी स्टेट रहेगा, बैंगलोर जो भी एक्सवाइजेड, वो एनओसी हम प्रोवाइड करके देंगे। सही है, तो चलते हैं अभी पूरा स्टॉक की डिटेल जानते हैं और उसके बाद फिर आपको जो भी रहेगा वीडियो के एंड में आपको फैसिलिटीज वगैरह के बारे में बताते हैं। और एक ऑफर है हमारे तरफ। अच्छा, वीडियो के लिए ऑफर है, हम वीडियो के एंड में बताएं। तो ऑफर के लिए भी वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखना, एंड जो भी रहेगा धमाकेदार ऑफर है। धमाकेदार। तो चलते हैं आज किस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हमारे साथ मोहसिन भाई जुड़ चुके हैं, जो की आपकी पूरी गाड़ियों की डिटेल बताएंगे। तो हेलो मोहसिन भाई, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। तो पिछला वीडियो का कैसा रिस्पॉन्स रहा था? राहुल भाई, आपके जो सब्सक्राइबर्स थे, आपकी जो फैमिली थी यूट्यूब वाली, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, काफ़ी प्यार मिला हमें, काफ़ी कॉल्स थे, काफ़ी रिक्वायरमेंट्स थे, कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट्स हम लोग कंप्लीट कर पाए, कुछ लोगों की जो नहीं कर पाए थे उन लोगों के लिए नया स्टॉक लेके आए, अभी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। राहुल भाई कैसा है, काफ़ी लोगों का अगर आप सेडान में देखोगे तो वरना एक प्रीमियम क्लास में आता है, ठीक है, तो काफ़ी लोगों का ऐसा रहता है मेंटालिटी के भाई लो बजट में भी वरना मिलना चाहिए। yes. क्योंकि अगर आप 10, 11, 12 के ऊपर जाओगे तो इतना लोगों का बजट होता नहीं, नहीं है। तो हम लोग ने और आपके चैनल से हम लोग को ये भी आया था कि भाई वरना लो बजट में लेके आओ 7 में 8 में, तो हम लोग ने 2008 का वरना लेके आया है। ये जो है XXI वेरियंट में आता है। अच्छा। XXI में, ठीक है, पेट्रोल गाड़ी है, सेकेंड ओनर गाड़ी है, सुपर क्लास गाड़ी है, मतलब लेके आपको काम कुछ भी नहीं करना है, बारिश की वजह से आपको गंदी दिख रही है। अगर आप बोला ना जो भी है पॉलिशिंग वगैरह करके मिलेगी, सब मिलेगा आपको टर्बो कार से, आपको सब करके मिलेगा। और इसका जो है सेकंड ओनर गाड़ी है और ये भी 78,000 किलोमीटर सिर्फ चला है। क्या बात है, 78,000 किलोमीटर चली है रात का गाड़ी, 78। क्या बात है, तो अभी तो भाई चलना बाकी है, अभी गाड़ी बहुत चलना बाकी है। और जो है आप प्रीमियम का फील जो है ये गाड़ी में ले सकते हो, जो कि आपके बजट में भी बैठ जाएगी। और आप देखोगे इसके प्राइसिंग के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं राहुल भाई, तो प्राइसिंग एकदम रीजनेबल रखा है, एकदम रीजनेबल 1.65 क्या इसका प्राइस रखा है। 1,65,000 में वरना का फील ले सकते हो। तो फिर से आ चुके हम आपके लिए एक ब्रांड न्यू कंडीशन वाली गाड़ी है, व्हाइट कलर में होंडा सिटी। तो इसकी क्या डिटेल देने वाली है मोहसिन भाई? राहुल भाई ये जो है 2014 का SV मॉडल है, सेकंड टॉप मॉडल है, सिंगल ओनर गाड़ी है, अगेन 97,000 किलोमीटर चला है विद कंप्लीट सर्विस रिकॉर्ड, पूरा गाड़ी सील टू सील है। और इसकी खास बात यह है कि ये 6 स्पीड है। 6 स्पीड है, यस। गाड़ी लिमिटेड में लिमिटेड कंपनी ने बनाई थी, तो ये गाड़ी 6 स्पीड है। तो इसमें एक हमारे टर्बो कार्स में भी अवेलेबल है। यस, एक आपको टर्बो कार्स में भी अवेलेबल मिल जाएगी। गाड़ी बहुत अच्छी है, डेंट स्क्रैच वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, एकदम प्रेजेंटेबल गाड़ी है। लेना है डीजल डाल के यूज करना है आपको। तो अब मेन आते हैं मुद्दा जो रहता है ना हमारा प्राइस का, कि क्या रखे हो आप? इसका हम लोग ने आस्किंग रखा है 495, 4,95,000। यस, जो कि अगेन नेगोशिएबल है, सिंगल ओनर गाड़ी है। मेरे पास ऑलमोस्ट जितना भी राहुल भाई आपको गाड़ी मिलेगा सब सिंगल ओनर गाड़ी मिलेगा विद सर्विस रिकॉर्ड मिलेगा। तो हम लोग का जो टर्बो कार्स का मेन USP होता है, एक तो कस्टमर के लिए प्राइसिंग होता है। अच्छा। और एक तो क्वालिटी होता है, ये दो चीज में हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, ये दो चीज ही मैटर करता है। यस, और ये दो चीज ही मैटर करता है। अभी वीडियो में रुके रहना, अभी आपके लिए बहुत सारी गाड़ियां अभी और भी अभी है 95,000 रुपीज से जो भी, और सेवलेट की क्रूज है, ऑक्टावियाएक्टिव
कैप्टिवा और भी बहुत इनोवा है, चार चार इनोवा है, मोरिको स्पोर्ट है। वीडियो में बने रहना, बहुत अच्छा कलेक्शन है और प्राइस भी बेहतर है। तो चलते दिखाते हैं नेक्स्ट गाड़ी। तो अभी आ चुके हैं हम इनोवा पे, जो कि लाल ब्यूटी बोलते ना, काली पीली नीली सारी गाड़ियाँ दिखाएंगे आज की इस वीडियो में। टर्बो कार्स में आपको सब वैरायटी, रंग बिरंगी गाड़ी मिलेगी। तो इनोवा की क्या डिटेल देने वाली है? इनोवा जो है 2010 का है, 2.5G सिंगल ओनर गाड़ी है, 1,45,000 किलोमीटर चला है विद सर्विस रिकॉर्ड। आप एक चीज में टोकना चाहूंगा, आप देख रहे जो भी किलोमीटर ड्रिवन है, चाहे 1,00,000 के ऊपर है चाहे 1,00,000 के नीचे, जो है वही बताएंगे है ना? यस यस, जो है मतलब जो रिकॉर्ड में है वही आपको मिलेगा टर्बो कार्स में। तो 1,45,000 चली है, सिंगल ओनर गाड़ी है, गाड़ी का इंश्योरेंस वैलिड है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में गाड़ी। अगर आप ओवरऑल गाड़ी देख सकते हो, यस, इंटीरियर भी काफी अच्छा है, मतलब ऑल मतलब ऑल टुगेदर एक पैकेज मिलेगा आपको इनोवा में अगर आप देखोगे। और राहुल भाई, अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें हम लोग, तो प्राइसिंग भी हम लोग ने इसका बहुत ही रीजनेबल रखा है। इसका आस्किंग प्राइस है 4.85, 4,50,000। क्या बात है, मतलब 4,85,000 में मिल रही है आपको इनोवा। अगेन ये नेगोशिएबल प्राइस है, 4,50,000। आओगे, बातें भी करोगे, जो भी है लगेगा, जैसा आपको गाड़ी पसंद आएगी उसके बाद जो भी डील हो जाएगा। पहले आप गाड़ी पसंद करो, गाड़ी पहले आके देखो, गाड़ी अगर आपको पसंद हो जाती है तो आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे, डील देके भेजेंगे। तो चलते दिखाते आपको नेक्स्ट कार। तो अभी हम आ चुके हैं ब्लैक ब्यूटी विच इज डस्टर रेनॉल्ट की तरफ से। तो इसकी क्या डिटेल रहने वाली है मोहसिन भाई? राहुल भाई, ये रेनॉल्ट का डस्टर है, 85 PS RXL। अच्छा, ये डीजल वेरिएंट है, सिंगल ओनर गाड़ी है, 52,000 समथिंग चला है, 52,000 विद सर्विस रिकॉर्ड चला है। इसका जो है इसमें भी आपको बेस्ट पॉसिबल फीचर्स मिल जाते हैं, और ज़्यादा लोग 110 मतलब 110 PS से ज़्यादा प्रिफर 85 PS करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा माइलेज वगैरह अच्छा निकल जाता है, माइलेज वगैरह अच्छा मिल जाता है इसमें आपको। और गाड़ी भी मिंट कंडीशन में, बारिश की वजह से थोड़ा गंदा लग रहा है, लेकिन गाड़ी अच्छा है, ब्लैक कलर। बाकी आप जब डिलीवरी लोगे तो आपको पॉलिशिंग वगैरह सारे करके मिलेंगे, है ना? सब आपको एकदम मतलब प्रेजेंटेबल, यस, प्रेजेंटेबल गाड़ी करके मिलेगा आपको एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो हम लोग ने इसका प्राइस रखा है 6,10,000 रुपीस। अगर आप आते हो, आपको गाड़ी पसंद आती है, टेस्ट ड्राइव के बाद आपको डील करना है, तो उसमें प्राइस निगोशिएबल हो जाएगा। तो मतलब जो भी रहेगा, पाओगे ऑन द टेबल, वो निगोशिएट हो जाएगा। ये 2015 का है, ये 15 का है, 85 PS RXL, सिंगल ओनर, सिंगल ओनर। तो चलते दिखाते हैं नेक्स्ट कार। यस, तो फिर से आ चुके हैं नेक्स्ट कार पे, जिसको अगर लो बजट गाड़ी चाहिए उनके लिए परफेक्ट रहेगा ना सर? परफेक्ट रहेगा, परफेक्ट रहेगा। क्या डिटेल है इसकी? डिटेल्स मैं बताता हूँ, ये 2008 का टाटा इंडिगो GLX है। सिंगल ओनर गाड़ी है, गाड़ी का इंश्योरेंस वैलिड है, और मेन USP ये कि सिर्फ 30,000 चला है विद सर्विस रिकॉर्ड। सर्विस रिकॉर्ड के साथ सिर्फ 30,000 किलोमीटर, सिर्फ 30,000 चला है गाड़ी। पूरा गाड़ी कंपनी मेंटेन है। ओके, बहुत अच्छा गाड़ी है, जो मतलब लो बजट में जिसको जाना है, जो मतलब कॉम्पैक्ट बजट रखता है जो, तो वो ये गाड़ी प्रिफर कर सकता है। बाकी साथ में इसमें आपको जो स्पेस वगैरह भी मिलने वाला है ना, वो दूसरे गाड़ी के मुकाबले ज्यादा है। क्या बोलते हैं, अगर इस प्राइस रेंज में आप देखना चाहते हो तो? यस, तो 2008 सिंगल ओनर इंश्योरेंस वैलिड, 30,000 किलोमीटर ड्रिवन। और पेट्रोल और डीजल? पेट्रोल, GLX। तो आप जानते हैं इसका क्या प्राइस रहने वाला है? प्राइस हम लोग ने राहुल भाई इसका 95,000 प्राइस रखा हुआ है। आपके सब्सक्राइबर जो है, आपकी फैमिली जो है हमारे पास आती है, उनको डील करना है, गाड़ी पसंद आती है, तो वो निगोशिएबल रहेगा। तो जो भी प्राइजेस बता रहे सारे के सारे निगोशिएबल रहेंगे, आप आओगे तो ऑन द टेबल वो निगोशिएट हो जाएगा, कोई भी फिक्स प्राइस नहीं है। तो प्राइस इज 95,000 रुपीज, निगोशिएबल। तो चलते अब दिखाते आपको नेक्स्ट कार। तो अब हम आ चुके हैं एक SUV पे। सबसे पहले मोहसिन भाई, मैं जानना चाहूंगा, जैसे अभी लोग सोचेंगे यार सेवलेट कंपनी तो बंद हो गई है ना, बट फिर भी मैं बता दूं, इसके स्पेयर पार्ट्स इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। इसका कैसा है राहुल भाई, लोगों ने एक मेंटालिटी बना दिया है कि भाई शेवरलेट कंपनी तो इंडिया से डिसकंटिन्यू हो गई है, इसके पार्ट्स नहीं मिलते। लेकिन आप देखोगे इतनी सारी गाड़ियां शेवरलेट की चलती है, तो पार्ट्स इजीली हर जगह अवेलेबल होते हैं इसके। और ये जो गाड़ी है, इसकी मैं डिटेल्स बताता हूँ आपको, 2012 का शेवरलेट कैप्टिवा LTZ AWD, ऑल व्हील ड्राइव में आता है। ये टॉप मॉडल होगी शायद? यस यस, ऑटो डीजल में आता है, सेकेंड ओनर गाड़ी है, 55,000 किलोमीटर गाड़ी चला है, गाड़ी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू शोरूम कंडीशन है। yes, yes, और व्हाइट कलर में, व्हाइट कलर में है, आपको मतलब लेके डायरेक्ट घर पे जाना है, गैरेज में नहीं जाना है, मतलब इतना अच्छा गाड़ी है। आप इसके टायर्स वगैरह देखोगे, टायर्स भी देखोगे, अलॉय व्हील से या फिर ये अलॉय आते हैं, अलॉय आते हैं, कंपनी से अलॉय आते हैं, काफी ज्यादा वाइड है। यस यस यस, तो गाड़ी बहुत अच्छा है।
और प्राइसिंग की अगर राहुल भाई अपन इसकी बात करें तो आस्किंग प्राइस हम लोग ने इसका रीजनेबल रखा है मार्केट के हिसाब से। अगर आप दूसरे डीलरशिप में भी देखोगे तो ये प्राइस नहीं मिलेगा। हम लोग ने 4,50,000 इसका आस्किंग प्राइस रखा, 4.5 लाख। और ये अगर मैं बताऊँ तो न्यू अपने टाइम पे बहुत महंगी थी, बहुत महंगी थी और अभी भी रेयरली मिलती है ये गाड़ी आपको, सब डीलरशिप में गाड़ी खड़ी नहीं मिली। जैसा रहता ना लोगों का एक मिथ बन चुका है कि यार ये कंपनी बंद हो गई है, तो वो चीज अब सस्ते में मिल रही है तो लोग लेना नहीं चाहते। तो ये चीज आप मत बनाओ, इतने अच्छे प्राइस में इतनी अच्छी गाड़ी मिल रही है, ये डील मत छोड़ो, आओ और ये लेके जाओ। और जो भी प्राइसेस बता रहे नेगोशिएबल रहेंगे, नेगोशिएबल रहेंगे, आपके जो भी सब्सक्राइबर आते हैं उनको बेस्ट पॉसिबल प्राइस करके मिलेगा। तो चलते फिर नेक्स्ट कार की ओर। अब मोहसिन भाई जैसे कि एक सेवलेट की हमने SUV दिखा दी, अब किन्हीं भाइयों को क्या है मालूम, उनको सेडान गाड़ी चाहिए और वो भी सनरूफ वाली, वो भी अवेलेबल है, वो भी अवेलेबल है। तो इसकी क्या डिटेल है? ये जो है 2014 का, 2014 का मॉडल है। ये डीजल ऑटोमेटिक है। इसमें आपको सनरूफ भी मिल जाता है, ऑटोमेटिक है ये। यस ये भी ऑटोमेटिक है, वो भी ऑटोमेटिक है जो इससे पहले दिखाई थी। तो इसमें भी आपको सारे बेस्ट पॉसिबल फीचर्स मिल जाते हैं। ये सिंगल ओनर गाड़ी है, ऑटोमेटिक डीजल विद सनरूफ और कुछ 55 समथिंग अराउंड चला हुआ है, 55,000 के अराउंड। यस और ये डीजल वेरिएंट भाई, डीजल रॉकेट बोलते हैं इसको, डीजल रॉकेट बोलते हैं। मतलब ऐसा है ये गाड़ी का, ऐसा है राहुल भाई के जो क्रूज जिसने यूज किया फिर उसके अलावा फिर वो कोई गाड़ी यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये भी एक गाड़ी जो है सिडान में प्रीमियम में आ जाती है। ये इसका जो फील है अंदर का, इंटीरियर वगैरह आप देखोगे, इसका कंफर्ट देखोगे बैठने का, तो ये भी प्रीमियम में आ जाती है और लोग ज्यादा बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं गाड़ी को। देखो मैं मालूम माइलेज की बात करें तो थोड़ा बहुत ये माइलेज में थोड़ी बहुत पीछे रह जाती है, बट परफॉर्मेंस भाई बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के देगी। तो क्या प्राइस कोट कर रहे हो इसका? प्राइस हम लोग आस्किंग प्राइस रखा है 4.95। 4,95,000 रुपए में सेबरेट की क्रूज 2014 मॉडल, 2014 सिंगल ओनर, सिंगल ओनर कार, 55,000 किलोमीटर ड्रिवन, सनरूफ, ऑटोमेटिक। अगर आपको ये सब मजा लेना भाई आ जाओ, सेबरेट की क्रूज लेके जाओ, मजा आ जाएगा। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको नेक्स्ट कार। तो जैसे कि हमने भी छोटी बजट भी दिखा दिया, सेडान चाहिए था उनको वो भी दिखा दिया लो बजट में। अब किन्हीं भाइयों के चाहिए MUV, क्योंकि जैसा बड़ी फैमिली रहती है तो 8-सीटर के लिए तो परफेक्ट होता है इनोवा। तो क्या डिटेल रहने वाली इनोवा की? ये जो इनोवा है 2012 का है। अच्छा। वी मॉडल है, वी मतलब टॉप मॉडल हो गया ये। ठीक है, ये गाड़ी पूरी कंपनी मेंटेन है, पूरा सील टू सील गाड़ी है। 1,63,000 किलोमीटर ड्रिवन है विद कंपनी सर्विस, कुछ भी नहीं है इनोवा के लिए। इनोवा अगर आप देखोगे तो लोग 5-5, 6-6, 7-7 लाख किलोमीटर चलाते हैं। हाँ, तो आपको बेस्ट पॉसिबल फीचर्स मिल जाते हैं, फुली लोडेड गाड़ी है, वी मॉडल टॉप मॉडल, सेकेंड ओनर गाड़ी है। अच्छा। हाँ, और इसकी जो प्राइसिंग की बात करें हम लोग ने रीजनेबल प्राइस रखा है, 725 आस्किंग रखा है, 7,25,000। यस, और इसमें भी नेगोशिएबल हो जाएगा आराम से, नेगोशिएबल हो जाएगा। और लोन वगैरह तो 2012 तो इसमें हो जाएगा, लोन इस पे आपको करके मिल हो जाएगा ना। तो 2012 की इनोवा टॉप मॉडल 7,25,000 जो कि नेगोशिएबल रहेंगे, पाओगे ऑन द टेबल नेगोशिएट हो जाएगा। तो अभी एक ही हो गई, एक और है, तो इसकी क्या डिटेल देने वाली? ये राहुल भाई 2011 का है। अच्छा। ये 2.5G है। अच्छा। इसके बाद जो ये जो दिखाया था अपन ने, ये वी आता है, ये 2.5G है, सिंगल ओनर गाड़ी है ये। ये 1,43,000 समथिंग कुछ ड्रिवन है, 1,43,000। यस, विद सर्विस रिकॉर्ड, सिंगल ओनर गाड़ी है, इंश्योरेंस भी वैलिड है। आपको इसमें एडिशनल जो कस्टमर था उसने एडिशनल 50,000 वगैरह भी करवा रखा। जैसा आप देखेंगे गाड़ी को टाइप 4 में कन्वर्टेड है। यस, आपको टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है अंदर, बेस्ट पॉसिबल फीचर इसमें भी आपको मिल जाते हैं। क्या हमारे ऑडियंस के लिए प्राइस रहेगी? इसका प्राइस हम लोग राहुल भाई रखेंगे 5.95। अच्छा, 5,95,000। यस, नेगोशिएबल रहेगा, नेगोशिएबल रहेगा। चलते दिखाते हैं नेक्स्ट कार। यस, तो फिर से आ चुके एक और इनोवा पे। हमने आज 4 इनोवा दिखा दिए, 4 इनोवा। क्या बात, आपको कोई सा भी इनोवा पसंद आता है आप डायरेक्टली आके विजिट करके वो बाय कर सकते हैं। यस, तो ये चौथा इनोवा हमने क्या डिटेल देने वाला है? ये जो है 2016 का मॉडल है। अच्छा। ये 2.5G है, सिंगल ओनर गाड़ी है, 1,20,000 चला विद सर्विस, 1,20,000 की। यस, इंश्योरेंस वैलिड है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है इसका, और इसमें भी बेस्ट पॉसिबल फीचर्स मिल जाते हैं आपको। अभी काफ़ी लोगों के माइंड में ये रहेगा कि 2016 में तो क्रिस्टा आई, लेकिन बेसिकली ये जो कंपनी ने स्टार्ट में 16 में इसका प्रोडक्शन किया था। अच्छा अच्छा। फिर बीच में इसको बंद करके क्रिस्टा का प्रोडक्शन। यस। तो इसका अगर प्राइसिंग की बात करें राहुल भाई, तो हम लोग ने इसका प्राइसिंग 11 लाख रुपीज़ रखा है, 11 लाख रुपये। यस, प्राइस जो है निगोशिएबल है। 11 लाख रुपये में आपको मिल रही है इनोवा जो कि 2016 का मॉडल रहने वाला है।
वही अगर आप इसी में थोड़ा अगर बढ़ के अगर क्रिस्टल लेने जाओ तो फिर भाई 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाना पड़ जाएगा। 5 लाख तो आपका ज्यादा, ज्यादा कोई फीचर का डिफरेंट नहीं आता फिर उसमें, बस थोड़ा शेप चेंज है और ये बात। और आपको जब इतने पैसे बच रहे 2016 का तो ये बेस्ट रहेगा व्हाट्सएप के लिए। और ये भी प्राइसेस नेगोशिएबल है, तो चलते दिखाते हैं आपको नेक्स्ट फोर है। इसकी डिटेल्स है, ये भी सिंगल ओनर गाड़ी है, 78,000 किलोमीटर चला है विद सर्विस रिकॉर्ड। इसमें भी आपको सारे बेस्ट पॉसिबल फीचर्स मिल जाते हैं गाड़ी में। और इसका जो प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट टाइम हम लोग ने जो S10 का प्राइस रखा था वो 8,50,000 रुपीज था, 8.5 लाख टॉप मॉडल में आता है। लेकिन काफी सारे कस्टमर्स ऐसे हैं कि जिनको स्कॉर्पियो लेना है लेकिन उनका बजट कैसा है थोड़ा कम रहता है, तो इसके लिए हम लोग ने थोड़े लो सेगमेंट में F4 लेके आया। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसका प्राइस हम लोग ने रखा है 7,85,000, 7,85,000। अगर आपको चाहिए महिंद्रा स्कॉर्पियो आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और ये डील क्रैक कर सकते हैं। yes. और ये भी जो इतने भी प्राइसेस बता रहे हैं सारे के सारे नेगोशिएबल रहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो यार प्राइसेस हाई है, बट वो फिक्स प्राइसेस नहीं रहते, सारे नेगोशिएबल प्राइस रहते हैं। तो चलते हैं दिखाते हैं आपको नेक्स्ट गाड़ी। हम आ चुके हैं फोर्ड इको स्पोर्ट पे, जैसे कि हमने MUV दिखा दी, आप थोड़ा एक छोटे में भी जाते हैं किसी को भाई को SUV चाहिए, भाई फोर्ड की तरफ से इको स्पोर्ट बोलते ना, जब से ये लॉन्च हुई अभी तक ये डिजाइन इतनी ज्यादा चल रही है कि पूछो ही मत। एग्जैक्टली तो इसकी क्या डिटेल रहने वाली है? सॉरी राहुल भाई, ये जो है 2013 का मॉडल है, ये टाइटेनियम है। जैसा लास्ट टाइम आपको याद होगा, लास्ट टाइम अपन ने वीडियो के एक कवर किया था, उसमें मैंने 18 का आपको बताया था, 2018 का था ये न्यू स्टॉक 2013 है। यस, ये वाला न्यू स्टॉक आया 2013 का। काफी आपके जो सब्सक्राइबर थे उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि हमको इको स्पोर्ट चाहिए लेकिन थोड़ा लो बजट में दिखाओ हमको, तो वही रिक्वायरमेंट माइंड में रखते हुए हम लोग ने ये गाड़ी लेकर आए हैं। 2013 का है टाइटेनियम। अच्छा। ये भी पुश बटन स्टार्ट है, टॉप मॉडल 13 में टाइटेनियम पुश बटन स्टार्ट टॉप मॉडल। इसमें भी आपको अलॉय व्हील्स वगैरह, अलॉय व्हील्स डायमंड कट मिल जाते हैं, बेस्ट पॉसिबल फीचर्स इसमें भी आपको सब मिल जाते हैं। सेकंड ओनर गाड़ी है, गाड़ी का इंश्योरेंस भी वैलिड है, आपको अच्छा। गाड़ी में कोई काम नहीं कराना है, गाड़ी लेके आप फ्यूल डलवाना और गाड़ी लेके वाला जाना जहां भी जाना जा सकते। एग्जैक्टली, गाड़ी पेट्रोल है, मैनुअल है। लास्ट टाइम वाली अपने पास जो थी वो पेट्रोल ऑटोमेटिक वाली, यस ये मैनुअल है। सिर्फ 45,000 किलोमीटर चला है विद कंप्लीट सर्विस रिकॉर्ड। क्या बात है, 45,000 की ऊपर। यस यस यस। तो प्राइस क्या रखे, प्राइस एकदम धमाकेदार रहना चाहिए, जैसा 45,000 किलोमीटर बताए आपने। yes. उसी के रेंज में रहना चाहिए। प्राइस बहुत अच्छा रहेगा राहुल भाई, इसका जो आस्किंग प्राइस हम लोग ने रखा है सिर्फ 4.35 रखा है, 4,35,000। अगर आप दूसरी डीलरशिप में देखोगे तो यही सेम गाड़ी का आपको 5 के आसपास इसका प्राइसिंग मिलेगा। 4,35,000 में फोर्ड इको स्पोर्ट टाइटेनियम मॉडल, टाइटेनियम पुश बटन, मतलब आपको सारे फीचर मिल जाते हैं, लोडेड गाड़ी है और जो कि प्राइसेस नेगोशिएबल है, आप कोई भी फिक्स प्राइसेस नहीं, आप आओगे ऑन द टेबल नेगोशिएट। जैसे कि फोर्ड इको स्पोर्ट की डिटेल हो गई, तो आज हमने 11 गाड़ियां दिखा दी है। अभी 11 गाड़ियों में आपको जो भी गाड़ी पसंद आता है आप आके यहाँ पे विजिट करके ले सकते हो। ये टर्बो कार्स लोकेटेड है गोरेगांव वेस्ट में। yes. आपको बेटर लोकेशन के लिए आप जाके डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पे मैप वगैरह दिया है और कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया, आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हो, है ना। exactly. और वसीम भाई है, ये मोहसिन भाई भी रहेंगे, वसीम भाई भी रहेंगे, आपको जो भी है रिगार्ड वगैरह करेंगे। yes. तो चलते हैं वसीम भाई से मिलते हैं, जो भी ऑफर्स वगैरह के बारे में वो जानते हैं। yes. तो चलते हैं मोहसिन भाई। थैंक यू। तो जैसे कि अभी मोहसिन भाई के साथ पूरी स्टॉक की मैंने आपको डिटेल दे दिया, तो वापस से हम वसीम भाई के पास आ चुके हैं। और वसीम भाई, सबसे पहले मैं ये बताओ कि जो भी यहाँ पे गाड़ी अगर कोई परचेस करेंगे उसके बाद आप उसको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे? सर, कस्टमर ने हमारे से डील हो गई है और हमको कस्टमर को हमारे यहाँ से NOC फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई चार्जेस क्या हमारे NOC हमारे तरफ से मिलेगी। और कस्टमर को स्पेशल ऑफर ये दिया जाएगा, जो भी कस्टमर हमारे यहाँ से गाड़ी लेता है, अच्छा, तो उनको पेट्रोल और डीजल फ्री मिलेगा, 5 लीटर फ्री है। यस, मतलब NOC चार्जेस का जो भी वो भी फ्री है, 5 लीटर पेट्रोल और डीजल ये भी फ्री। यस यस, 100%। और ये सारे जो भी है, मतलब पेपर वगैरह सारी क्लियर करके, सारे क्लियर में, जैसे कोई गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर है, हाँ। तो कस्टमर को लेगा, सर आप इंश्योरेंस भी निकाल के, ऐसा नहीं, जो गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर है वो कस्टमर को निकालना है। अच्छा। जो NOC का जो चार्जेस रहेंगे वो कस्टमर को बैर नहीं करना, वो हम बैर करते हैं। तो यही रही आज के स्टॉक की जो भी डिटेल था और जो भी फैसिलिटीज वगैरह सारे बता दिए। बाकी लोन का मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2012 के अबव लोन अवेलेबल हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलते हैं वसीम भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।